हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द न्यू व्लॉग। कैसे आप लोग? मस्त होंगे, मजेदार होंगे और घर पे सब स्वस्थ होंगे। तो काफी टाइम बाद आज हम लोग भाई एक स्टोरी टेलिंग करने वाले हैं आप लोगों के साथ। बहुत टाइम से मेरा मन था, क्योंकि जो ये 4 से 5 दिन गैप था ना, इसमें बहुत कुछ देखने को मिला, बहुत कुछ समझने को मिला। तो कहानी की शुरुआत करते हैं कि अभी हमारी रिसेंटली 2 वीडियो हम लोगों ने अपलोड की थी, तो उस पर भाई कुछ लोग बहुत ही ज्यादा ऑफेंड हो रखे हैं। तो उसकी वजह से भाई एक इंस्टाग्राम पे अकाउंट है भाई, मतलब क्या बताए, पर्सनल लेवल तक तो ठीक था सब कुछ, तो कुछ चीजें ऐसी हो गई कि भाई बहुत ही ज्यादा हो गई, मतलब आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो गई, कि जो सोशल मीडिया का यूज होता है ना उससे भी ज्यादा। तो इसलिए हमने सोचा क्यों ना इस चीज पर भाई आप लोगों से भी बातचीत की जाए और आप लोगों से भी बताया जाए कि चल क्या रहा है। तो कुछ ऐसा हो रखा है कि हमारे कुछ वीडियो अभी अपलोड हुई, तो उसकी वजह से कुछ लोगों को दिक्कतें हो रही कि यार हम पे ये वीडियो बनाई गई, हम पे वो वीडियो बनाए गए, बट ऐसा कुछ नहीं है भाई। हम लोगों को किसी पे भी वीडियो नहीं बनाई, वो ओनली फॉर भाई इन्फॉर्मेटिव है, ना कि भाई किसी को हम लोगों का हर्ट करने का है। तो एक इंस्टा अकाउंट है, तो उसने भाई कुछ ऐसी वीडियोज अपलोड किए हैं कि हम भाई शो भी नहीं करवा सकते। तो इसी के रिगार्डिंग हम लोगों ने भाई हेल्प ली है चमोली पुलिस की। तो चमोली पुलिस के पास हम लोग गए। पहले आप लोग पूरा वायदा देखिए कि किस प्रकार से हम लोग वहाँ पे गए और क्या क्या वो सब चीज़ें हो रही हैं वहाँ पे। तो रेडी हो चुके हैं हम और जाते हैं पहले पुलिस स्टेशन, क्योंकि ये मैटर जो है ना भाई ऐसे ही सॉल्व होगा, क्योंकि इन लोगों को ज़्यादा समझा के कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए हमने सोचा क्यों ना लीगल तरीके से इन लोगों को बुलाया जाए और पहचान हो जाए, क्योंकि ऑनलाइन बदमाशी ना सिर्फ वहीं तक दिखती है। अब जब सामने पर आके दिखता है ना, तब पता चलता है कि क्या सिस्टम है। आज गोकू को भी लेके चलते हैं, क्योंकि ऐसे सिस्टम में भाई गोकू ही साथ देती है हमें। भाई कोई चीज़ लफड़ा वफड़ा तो ज़्यादा ही हो गया ना, ये लफड़ा को थोड़ा सा सही करना पड़ेगा, क्योंकि इस लफड़े का जो सिस्टम है वो क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारी चीज़ें हैं वो वहीं जाके क्लियर होगी। और मैंने भाई बहुत लाभ, और मैंने अपने जितने भी नोन लोग थे ना इन चीज़ों से साइबर, तो मेरे जितने भी नोन थे ना साइबर में, तो उन्होंने कहा इन लोगों को दो ही तरीके से समझाया जा सकता है, या तो पर्सनल, और पर्सनली समझने वाले हैं नहीं, और या तो पब्लिकली। तो पब्लिकली ही इनको हम समझाएंगे, और इसकी वजह से भाई उस जो पूरे अकाउंट है ना उसमें एक वैली है जिसको मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, उस वैली का भी नाम ख़राब कर रहा है बहुत ही ज़्यादा। तो ये सारी चीज़ें ऐसी है ना कि भाई बुरा लगता है उन चीज़ों को देख के, जिस जगह से हम लोग इतना प्यार करते हैं, जिस वैली से हम लोग इतना प्यार करते हैं ना, उसका भी नाम ख़राब कर रहा हूँ। बहुत सारे लोगों के मैसेज आ रहे हैं कि ऐसा तो हो रहा है कि भैया आप एक्शन क्यों नहीं ले रहे। तो हमने एक्शन ले ही लिया अब आप लोगों के बोलने पे। तो पहुंच चुके हम लोग भाई पुलिस स्टेशन पे, और पता नहीं क्या प्रोग्राम चल रहा है यहाँ पे, लेट्स सी क्या क्या होता है। तो चलते हैं। तो अभी भाई हम लोग जा रहे हैं साइबर ऑफिस पे, जहाँ से भाई हम लोगों को प्रॉपर पता चल जाएगा, क्योंकि यहाँ से कह रहे हैं कि भाई कुछ नहीं होगा, साइबर ऑफिस में ही जाके पता करना पड़ेगा। अब तो भाई इन लोगों को अपने तरीके से समझाना ही पड़ेगा। अभी तक मैं चुप था, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी हो रही थी कि यार चलो पर्सनल है, हम तक जोक चलेगा, बट जब बात भाई थोड़ा आगे बढ़ जाती है ना, फैमिली तक बढ़ जाती, तो मुझे लगता कि कोई भी नहीं आता। तो मैंने भी भाई अब डिसीजन ले लिया कि भाई इस बंदे को या इस बंदी को जो भी है, और इसके साथ जो भी हैं, उन सब को भाई मज़ा चखाया जाएगा, और सब के सामने भाई पहले मारेंगे अलग और फिर सॉरी बुलवाएंगे। ये सोच लेना भाई, चाहे जो भी हो। आज तक तो हम लोग चलो यार चुप रहा करते थे कि चलो चीज़ें बात आगे नहीं बढ़ रही, अपने तक रह रही है, पर बहुत ज़्यादा और हद से ज़्यादा। और भाई मुझे लगता है कि आज में ही पता चल जाएगा। ऊपर जाते हैं साइबर ऑफिस में और देखते हैं क्या होता है, क्योंकि अब तो भाई साहब ज़्यादा ही बवाल कटेगा। नाम तो पता चल जाएगा भाई, इतना टफ नहीं है। नाम और नंबर और घर वाले भी ऐसे लोगों के, तो भाई घर वालों को बुला के भाई उनके सामने मारना पड़ेगा।
तो बहुत सारे केसेस में भी ऐसा है कि सॉरी बोल दो बात ख़त्म, बट सॉरी नहीं, इस बार कुछ बात लंबी चलेगी। ये वो मेरा अकाउंट था ना, इस अकाउंट मैंने भेजा भी था, मैंने वो की किस नाम से भेजा हमें सीन देगी ना। अच्छा, तो अब बैक टू बैक ज़्यादा ही हो रहा है मतलब मैं अभी। तो देखा आप लोगों ने कि किस प्रकार से भाई हम लोगों की सारी वार्तालाप हो चुकी है चमोली पुलिस के साथ। आने वाले एक या दो दिनों में हमें पूरा रिस्पांस मिल जाएगा उनकी तरफ से, और यहाँ पे हम लोगों ने अभी एप्लीकेशन भी लगा दिया, आप लोग देख सकते हो। तो इसके पीछे जितने भी लोग हैं ना भाई, आज तक उन्हें माफ़ किया गया हो, उनका सॉरी एक्सेप्ट किया गया हो, बट इस बार सॉरी भी एक्सेप्ट नहीं होगा और ना माफ़ किया जाएगा। क्योंकि यार भाई पर्सनल तक ठीक था, लेकिन जब फैमिली तक बात पहुंचती है या फैमिली को भाई एक दूसरे वे में यूज करते हो, जब आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा अपनी स्टोरी पे शेयर कीजिए भाई, आप चमोली पुलिस को टैग करें ताकि वो लोग इस पूरी कार्रवाई पे भाई जल्दी से जल्दी रिस्पॉन्स करें, क्योंकि ये चीजें बहुत नेक्स्ट लेवल पे हो रही है, बहुत ही ज्यादा। तो ये सारी चीजें ना हो, इसीलिए हम चाहते हैं कि ये सब चीज़ें बहुत ही जल्दी क्लियर आउट हो। वैसे हम लोग भाई दूसरे तरीके से भी इन लोगों को समझा सकते थे, लेकिन हम लोगों ने सोचा क्यों ना इन लोगों को थोड़ा दूसरे तरीके से समझाया जाए। तो हम लोग इनके तरीके से चलेंगे तो क्या ही बोले, ये लोग तो हैं वैसे भी बेवकूफ़, इन लोगों का तो ना फैमिली से मतलब है, ना इन्हें फैमिली की टेंशन है, ना रिस्पेक्ट है, क्या ही बताएं। तो आप लोगों से यही चीज़ें मैं भाई शेयर करने के लिए इस वीडियो को अपलोड कर रहा हूँ, और भाई मैं यही बोलना चाहता हूँ कि आप लोग भाई ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट दिखाएं, क्योंकि मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरे तक बात आए तो भाई हम लोग हैंडल कर सकते हैं, लेकिन किसी की फैमिली, किसी के पर्सनल है ना, उन चीज़ों पर जब बात पहुँचती है ना तो बहुत सारी दिक्कतें क्रिएट करती हैं आने वाले टाइम पर। तो एक प्यारी सी रिक्वेस्ट, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और टैग करो उन लोगों को जो लोग सपोर्ट कर सकते हैं हम लोगों को। तो ये मेरे दिमाग में काफ़ी टाइम से चला, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों से शेयर किया जाए और इनडायरेक्टली उन लोगों तक भी ये बात पहुंच जाए कि भाई आप लोग चाहे कितनी भी ऑनलाइन बदमाशी कर लेना तो कुछ होने वाला नहीं है, तो बहुत जल्दी पता भी चल जाएगी। मुझे लगता है कि एक दो दिनों में आप लोगों के सामने भी सब कुछ दिख जाएगी, तो जो मतलब कंक्लूजन निकलेगा बहुत खतरनाक निकलेगा, ताकि आने वाला टाइम पे ऐसी गलतियां कोई दोबारा ना करे। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड बी सेफ़।